जय हिंद। आज हम सभी देव भूमि वासियों के लिए सौभाग्य और प्रसन्नता का क्षण है। महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति से आज यह विद्या और ज्ञान का मंदिर पतंजलि विश्वविद्यालय तथा पूरा उत्तराखंड परिवार गरिमामय हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती, यहां के सुंदर पर्वत, नदियां और सभी लोग महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं। योग और आयुर्वेद जैसी महान भारतीय, जो प्राचीन भारतीय विद्याएं हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयासरत पतंजलि विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में आकर मुझे प्रसन्नता और गर्व दोनों ही महसूस हो रहे हैं। स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने योग एवं आयुर्वेद को दुनिया भर में एक नई पहचान दी है। वे बधाई के पात्र हैं। स्वामी रामदेव जी, उन्होंने जो आयुर्वेद व योग का महत्व पूरी दुनिया को बताया है, वो अपने आप में एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव बात है। वे योग एवं आयुर्वेद के माध्यम से हेल्थ सेक्टर में क्रांति लाए हैं। क्रांति बहुत बड़ा शब्द होता है। भविष्य में विश्व के 7 बिलियन लोग इसका लाभ उठाएंगे। उन्होंने इसे जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। आज बच्चे, बुजुर्गों सहित सभी लोगों में योग लोकप्रिय हो चुका है। कपाल भारति, प्राणायाम और योगासन की शक्तियों को पूरा विश्व पहचान चुका है। आयुर्वेद तथा योग ने भारत को कोविड काल की चुनौतियों के लिए भी तैयार किया था। योग एवं आयुर्वेद के कारण भारत ने इस चुनौती का सामना बेहतर तरीके से किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम कॉन्वोकेशन सेरेमनी में डिग्रियां और मेडल लेने वाले जो विद्यार्थी हैं, अपने राष्ट्र, प्रदेश और समाज की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आप अपनी शिक्षा, प्रतिभा एवं प्रशिक्षण का उपयोग मानव कल्याण के लिए करेंगे। आशा है कि हमारे यह स्वास्थ्य योद्धा, यानी कि हेल्थ वॉरियर्स, और जब आप एक बार पगड़ी डाल लेते हैं ना, तो अपने आप से वो दो शब्द निकलते हैं, निश्चय कर अपनी जीत करो। आने वाली चुनौतियों का सामना आप सफलतापूर्वक करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस समारोह के यहां पर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वो जब आ रहे थे तो उनके चेहरे पर अलग ही एक रोशनी थी, एक अलग ही उत्साह था। प्रिय विद्यार्थियों, कॉन्वोकेशन सेरेमनी का अर्थ शिक्षा की समाप्ति नहीं है। शिक्षा तो जीवन भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज पूरा विश्व अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी से युक्त है। युवा पीढ़ी से अपेक्षाएं हैं कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और अपनी नई इमेजिनेशन के साथ प्रत्येक क्षेत्र में अनरिस्ट्रिक्टेड एंड अनलिमिटेड परिणाम देंगे। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आज बड़ी संख्या में युवा संस्कृत भाषा, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी तथा प्राचीन भारतीय विद्याओं को
को पढ़ना और सीखना चाहते हैं। ये जो भावना है ना, मैं आज महसूस कर सकता हूं आप सब में। आप युवा यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, सोशल मीडिया, मास मीडिया में एक्सपर्टीज प्राप्त करेंगे तो ये हमारी प्रचीर विद्याओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और ये अवश्य ही एक अलग रिजल्ट देंगी। मेरा मानना है कि योग और आयुर्वेद के विद्यार्थी हमारी सभ्यता संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। योग और आयुर्वेद हमारी लो कॉस्ट, सिंपल, नेचुरल, इटर्नल तथा कंप्लीट मेडिकल साइंसेज हैं। हमें जन जन तक इस बात को पहुंचाना है। योग और आयुर्वेद को विश्व की एक प्रमुख मेडिकल साइंस के रूप में स्थापित करना है। यह महान उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर में है। जिस प्रकार आप क्लैप कर रहे हैं, मुझको लगता है यह अवश्य होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे मेरा आग्रह है कि यदि आपकी शिक्षा, प्रतिभा और विजन का लाभ हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों, दूरदराज गांवों, समाज के वंचित और निर्धन तबकों को मिले तो यह आपके जीवन को एक नया अर्थ देगा। आप सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की सोच के साथ कार्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप प्रोफेशनल एथिक्स के साथ ही अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद।